भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहिबगंज में बीते 24 घंटे में 4 लोगों की संदिग्ध अवस्था में मौत होने व प्रदर्शन के बाद साहिबगंज का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। एसडीएम सिटी डीएसपी व विधि व्यवस्था डीएसपी के नेतृत्व में इलाके में छापेमारी कर शराब बेचने वाले मुन्ना चौधरी, श्याम चौधरी व इन दोनों की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। परिजनों द्वारा शव के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को रोक पुलिस ने सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लोगों की माने तो शराब पीने से 4 लोगों की मौत हुई है और एक की आंख की रोशनी गई है। एसडीएम धनंजय कुमार के मुताबिक सत्यापन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जो भी मामले सामने आए हैं सभी संदिग्ध हैं। सिटी डीएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि अभी शराब पीने से मौत नहीं कह सकते, सब का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अगर शराब पीने से मौत हुई होगी तो कार्रवाई करेंगे। हिरासत में नहीं लिए गए हैं, पूछताछ के लिए उनको थाना पे ले जाया गया है। रोड जाम भी थी वो भी हटा दिया गया है, लोकल के द्वारा ही हटा दिया गया है। जो शरीर जो बॉडी है वो भी जारी है, भी जो भी अग्रेतर कार्रवाई के लिए है, जो अभी हम लोग आगे फिर सत्यापन करेंगे। कितने लोगों के हिरासत में लिया गया सर? नहीं, फिर मैं बोलूँगा कि हिरासत में नहीं लिया गया है। दो तीन जो परिवार के जो एडल्ट सदस्य हैं, जो वयस्क सदस्य हैं, उनको पूछताछ के लिए थाना पर ले जाया। कितने लोगों की मौत हुई अभी के लिए, कितने लोगों सत्यापन? अभी ये सत्यापन का विषय है, अभी तक दो तीन लोगों को मिलना नहीं। क्या है कारण, ये संदिग्ध है और इसका जो भी सत्यापन उपरांत आपको जानकारी मिलेगी। पोस्टमार्टम क्या जाएगा सर? आज तक 7 लोग हैं, 7 लोगों की मौत। वही मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी ये हम लोग सत्यापन कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी देख रहे थे कि हम लोग आने के बाद अभी रोक जाए और इन्हीं सब चीज़ों में व्यस्त आगे की प्रक्रिया में हम लोग लग रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे आप लोग से साझा करेंगे। थैंक यू।